भारत के संविधान के अंदर औरतों को पुरुषों के समान ही अधिकार दिए गए हैं, उनके पास हर एक वो अधिकार है जो अधिकार किसी पुरुष के पास में है। हालांकि कुछ देश यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जिनके अंदर औरतों के लिए अपने मनपसंद के कपड़े पहनना तो बहुत ही दूर की बात है, उन्हें मतदान तक का भी अधिकार वहाँ पर नहीं है। खैर ये तो रही कानून और संविधान की बातें, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर कानून और संविधान मायने नहीं रखता है, खासतौर पर बात जब किसी पुरानी रीत या परंपरा को निभाने की हो। हमारे देश के अंदर आज भी कुछ एक गांव और क्षेत्र ऐसे मौजूद है जिनकी दीवारों को अगर कुरेद करके देखा जाए तो वहां पर आपको परंपरा और पुरानी रीतों के नाम पर किए गए जघन्य अपराधों की कहानियां दफन मिलेंगी। और ऐसी एक कहानी हमारे सामने पेश करती है 30 अक्टूबर 2020 को नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर रिलीज हुई फिल्म काली खुई। इसे डायरेक्ट किया है टेरी समुद्रा ने और इसके अंदर हमें दिखाई देंगे शबाना आजमी, संजीदा शेख, लीला सैमसन, रीवा अरोरा, सत्यादीप मिश्रा, हेतवी भानुशाली और रोज राठौड़। इस फिल्म की लंबाई है करीब 1.5 घंटा और ये कहानी है दर्शन और प्रिया नाम के एक दंपत्ति की, जिन्हें अपनी बूढ़ी माँ की बिगड़ती तबीयत के कारण अपनी छोटी सी बच्ची को साथ में लेकर के अपने पैतृक गांव जाना पड़ता है। लेकिन गांव में पहुंचते ही उनकी बच्ची समेत पूरे परिवार के साथ में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। ये घटनाएं क्यों घट रही हैं और इन सभी पात्रों तथा गांव में फैली हुई महामारी का गांव की काली खुई के साथ में क्या संबंध है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म। ये फिल्म एक सोशल हॉरर फिल्म है और फिल्म के कुछ दृश्यों में आपको डर लगना भी स्वाभाविक है, तथा फिल्म की शुरुआत से ही इसके कुछ कैरेक्टर आपको रहस्यमय प्रतीत होंगे। फर्स्ट हाफ के अंदर सुंदर दृश्यों, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और स्क्रीन के ऊपर घट रही रहस्यमय घटनाओं की वजह से आपकी उम्मीदें बनी रहती है, पर सेकेंड हाफ में आते ही ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती है। सेकेंड हाफ का स्क्रीन प्ले काफी स्लो और कन्फ्यूजिंग भी है, इसके साथ ही कई जगह पर आप इस फिल्म के अंदर उलझा हुआ भी महसूस कर सकते हैं, तथा इस फिल्म के अंदर कुछ दृश्य ऐसे आएंगे जिनमें आप आसानी से प्रेडिक्ट कर लेंगे कि आगे क्या होने वाला है। इसकी एंडिंग भी आपके समझ में ना आए ऐसा भी संभव है, पर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और लोकेशंस अमेजिंग है और कुछ एक मौकों पर यह फिल्म आपको तुम्बड़ जैसे मास्टरपीस की याद भी दिला सकती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसके मूड को सूट करता है और लगभग सभी कलाकारों ने बढ़िया काम किया है। हालांकि शबाना आजमी, संजीदा शेख और लीला सैमसन सबसे अधिक प्रभाव छोड़ती है। स्पेशल मेंशन की बात करें तो फिल्म के एक दृश्य में मां के गर्भ को दिखाया गया है, वो दृश्य काफी मार्मिक है और आपके दिल और दिमाग में सिहरन पैदा कर सकता है। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर 2-3 दृश्यों में न्यू बॉर्न बेबी को दिखाया गया है, वो बच्चा इतना प्यारा है कि उसको देखते वक्त आपकी आंखें नहीं थकती है। इसके साथ ही फिल्म के कुछ एक दृश्यों में माँ और बेटी के प्यार को भी बड़े ही संजीदा ढंग से दिखाया गया है। कास्टिंग डायरेक्टर का काम ठीक है और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी ठीक ठाक किया गया है। अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इस फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ में देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बच्चों को ये फिल्म अकेले ना देखने दें। ओवरऑल ये फिल्म एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई एवरेज फिल्म है। अगर इसकी राइटिंग बेहतर होती तो ये फिल्म एक मास्टरपीस साबित हो सकती थी, लेकिन अभी भी आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। और अगर रहा सवाल मेरी रेटिंग का तो मेरी रेटिंग है इस फिल्म के लिए 2.5 आउट ऑफ 5। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।